हेलो एवरीवन आप सभी का फिर से स्वागत है ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है उन्नीस से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे हम लोग सम सामयिकी से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें इससे पहले वाले सेशन में 42 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है आज का जो सेशन है फोर्टी से स्टार्ट करेंगे हम लोग सब्जेक्ट बाईस सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्वीज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्टी थ्री हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आठ सी ऑप्शन 6 अक्टूबर दो हजार बीस को भारत के आठ समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया यह समुद्र तट इस प्रकार के हैं केरल के कपाड़ शिवराजपुर गुजरात में है घोघला समुद्र तट दीव में है कासर कोड और पदुबिद्री याद रखिएगा कोड एवं पदुबिद्री ये कर्नाटक में है ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है गोल्डन उड़ीसा राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 21 सितंबर 2021 को भारत के दो और समुद्र तटों को कोलम तमिलनाडु और इडन पुदुचेरी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है इस प्रकार भारत में 10 समुद्री तट ऐसे हो गए हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है चौवालीस नंबर है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा दो बीस के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया इसका सही जवाब क्या होगा बताइए भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा दो बीस के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए पच्चीस सितंबर दो यानी सी ऑप्शन 25 सितंबर 2020 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 सितंबर 2020 को प्रेस नोट के माध्यम से बिहार विधानसभा के सभी दो सीटों के लिए आम चुनाव की घोषणा की गई यह चुनाव तीन चरणों में संपन्न कराए जाने को सुनिश्चित किया गया प्रथम चरण 28 अक्टूबर 2020 द्वितीय चरण 3 नवंबर 2020 तृतीय चरण 7 नवंबर 2020 को संपन्न कराए जाने तथा मतगणना दस नवम्बर दो को सम्पन्न कराए जाने की घोषणा की गई थी 45 है व्यवसाय करने की सरलता पर दो हजार बीस के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है इसका जो क्रम है वो क्या है तो व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है यानी विगत वर्षों के सतहत्तरवे से 63 स्थान पर आ गया है तिरसठवें स्थान पर पहुंच गया है पहले सतहत्तरवे स्थान पर था विश्व बैंक के द्वारा जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने की सफलता सूचकांक 2020 में 77 स्कोर के साथ भारत 63वें स्थान पर आ गया है प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को दिया गया है डाटा अनियमितताओं के जांच के बाद विश्व बैंक ने इसके प्रकाशन को बंद कर दिया इसके बाद प्रश्न संख्या 46 है हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के परिषद के छियालीसवें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान ईवई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को यानी सी ऑप्शन तो हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के छियालीसवें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान ईवई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था तो भारत को याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के छियालीसवें सत्र में भाग लेने के लिए भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था परिषद का छियालीसवा सत्र एक से दो मार्च उन्नीस को अबू धाबी में आयोजित किया गया इस सम्मेलन में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को संयुक्त अरब अमीरात के विदेशी मंत्री एच 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 शेखर अब्दुल्ला बिन ज्याद अल नहयान के द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था ओआईसी के विदेश मंत्रियों के परिषद के फोर्टी एटवे सत्र का आयोजन 22 से 23 मार्च दो को इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में किया गया 47 है हाल ही में इसरो और सी एन ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली जो है स्थापित करने के लिए समझौते पर हताक्षर किए सी किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और सी ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हताक्षर किया जो सी है ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है आपको बताना है इसका सही जवाब हो जाएगा ये फ्रांस की एक अंतरिक्ष एजेंसी है यानी सी ऑप्शन फ्रांस मार्च 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज ने भारत में एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली जो है स्थापित करने के उद्देश्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसका लक्ष्य है हिंद महासागर में जहाजों को पहचानना और उनकी उपस्थिति का पता लगाना फोर्टी है परागवे की राजधानी कौन सी है जहां जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च दो में दौरा किया था की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च दो हजार उन्नीस में दौरा किया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा की राजधानी याद रखिएगा अस, है कहां पर है असंसियन ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है परागवी गणराज मध्य दक्षिण अमेरिका में एक अस्थल रुद्र देश है लैंडलॉक्ड कंट्री है इसकी राजधानी असंशीय है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पांच से सात मार्च दो तक परागवे गणराज और सात से नौ मार्च दो तक कोस्टारिका गणराज का दौरा किया था यह भारत की ओर से दोनों देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फोर्टी नाइन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र यू एन ई ए फोर कहा आयोजित किया गया हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहां आयोजित किया गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैरोबी केन्या डी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र मार्च दो हजार उन्नीस के मध्य केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का पांचवा सत्र अट्ठाईस फरवरी से दो मार्च दो तक वर्चुअली माध्यम के द्वारा नैरोबी में आयोजित किया गया UNEA 5 का समग्र विषय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाना था नंबर है मार्च 2019 में सरकार के द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्द के किस संस्करण का विमोचन किया गया मार्च 2019 में सरकार के द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्द के किस संस्करण का विमोचन किया गया तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 27 फरवरी 2019 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भाषा चंद्र गहलोत के द्वारा श्रवण बाधित व्यक्तियों के के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया इसे भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा तैयार किया गया था इस शब्द कोश में शैक्षणिक कानूनी चिकित्सा तकनीकी से संबंधित छह हजार शब्द शामिल है इस शब्द कोश का पहला संस्करण तीन हजार शब्द के साथ तेईस मार्च दो हजार अठारह को जारी किया गया था याद रखिएगा मार्च दो हजार उन्नीस में यह प्रश्न पूछा गया था जो गलत है सत्रह फरवरी दो हजार इक्कीस को भारतीय सांकेतिक भाषा शब्द कोश का तीसरा संस्करण जारी किया गया जिसमें दस हजार शब्द है फिफ्टी वन है मनोहर पारिकर की जगह हाल ही में उनके मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली मनोहर पारिकर के जगह हाल ही में उनके मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली तो प्रमोद सावंत कौन किसने शपथ ली जो मनोहर पारिकर थे गोवा के मुख्यमंत्री थे इनके मृत्यु पर इनके पद को किसने मतलब कि इनके पद पर किसने आसीन हुआ तो इनका नाम है प्रमोद सावंत सी ऑप्शन 19 मार्च दो हजार देखिये उन्नीस मार्च दो हजार उन्नीस को प्रमोद सावंत वर्तमान में भी हैं ये गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए इस पद पर, पर इन्होंने मनोहर पारिकर का स्थान लिया 17 मार्च 2019 को जो है मनोहर पारिकर का निधन हो गया था 52 है वर्तमान में राष्ट्रपति सॉरी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है तो रेखा शर्मा सी ऑप्शन सात अगस्त दो से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आ, ये वर्तमान में भी है और जयंती पटनायक इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष तीन फरवरी उन्नीस से तीस जनवरी उन्नीस तक थी तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये दो बात आपको ध्यान में रखना है फिफ्टी थ्री है दो हजार अठारह के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है दो हजार अठारह के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है इसका सही जवाब क्या होगा बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा योही ससकावा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है योही ससकावा दो हजार उन्नीस में भारत सरकार ने वर्ष 2015 से 2018 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए 2018 का यह पुरस्कार भारत और विश्व भर में कुष्ठ उन्मूलन कुष्ठ रोग का उन्मूलन में योगदान के लिए डब्ल्यू एच ओ के सद्भावना दूत योही सका को प्रदान किया गया अन्य प्राप्तकर्ता जो है 2005 के लिए विवेका केंद्र कन्याकुमारी को दिया गया दो हजार सोलह के लिए अच्छे पात्र फाउंडेशन एवं सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से दिया गया और दो हजार सत्रह के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया जो है उन्नीस ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया दो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजबी रहमान को दिया गया इसके बाद 54 है शांति और समझौता के लिए 2009 का महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है तो वर्तमान के लिए आप जो है देख लीजिएगा शांति और समझौता के लिए 2009 का महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है इसका सही जवाब हो जाएगा आंग शांसुकी आंग शांसुकी बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी फाउंडेशन ने 2009 नौ के महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेत्री अभिनेत्री ंग सांसुकी आंग शांसुकी को 21 जुलाई 2009 को डर्बन यानी दक्षिण अफ्रीका में सम्मानित किया गया 55 है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुबई यानी डी ऑप्शन दुबई में पहला ऊंट अस्पताल स्थापित किया गया है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए दिसंबर 2017 में दुबई में ऊंटों के लिए एक खास अस्पताल को खोला गया यह विश्व का पहला ऊंट अस्पताल है यह अस्पताल ऊंटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध करा रहा है दुबई में ऊंटों को सांस्कृतिक का जो है अहम हिस्सा माना जाता है संस्कृति का ये अहम हिस्से होते हैं और उन्हें बचाए रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है फिफ्टी है योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप दो हजार उन्नीस के पुरुष एकल के विजेता कौन थे ओनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटल चैंपियनशिप दो हजार उन्नीस के पुरुष एकल के विजेता कौन थे इसका सही जवाब क्या होगा बताइए तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा केंटो मोमोटा केंटो मोमोटा यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है छह से दस मार्च दो हजार उन्नीस के बीच BWF वर्ल्ड टूर की योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुई देखिए पुरुष एकल स्पर्धा के फाइनल में जापान के केंटो मोमोटा ने डेनमार्क के विक्टर एक्सलसन को पराजित करके खिताब जीत लिया और 16 से 20 मार्च 2022 के बीच डी जो BWF वर्ल्ड टूर है इसकी योनेक्स ऑफ इंग्लैंड ओपन बैडमिंटल चैंपियनशिप 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुई और 2022 में इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा का विजेता विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क और महिला एकल की विजेता अकेन यामागुची ये जापान की हैं ये इन दोनों ने आ, 2022 में इस प्रतियोगिता के लिए एक मतलब पुरुष एकल स्पर्धा का विजेता जो थे डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन और जापान की मतलब की जो महिला एकल विजेता थी इनका नाम है अकेन यामागुची याद रखिएगा फिफ्टी सेवन है पांच राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू डेल्ही डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोस दो हजार उन्नीस पर हस्ताक्षर किए हैं भारत नेपाल मलेशिया इंडोनेशिया और कौन सा कौन सा देश है पांच राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिसमें भारत नेपाल मलेशिया इंडोनेशिया तो पांचवा राष्ट्र कौन सा है आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा पांचवा राष्ट्र है भूटान डी ऑप्शन याद रखिएगा 26 से 28 फरवरी 2019 के बीच इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली में पांच एशियाई गेंडा क्षेत्र देशों की द्वितीय बैठक संपन्न हुई बैठक में एशियाई गेंडा देश जैसे भारत नेपाल भूटान इंडोनेशिया और मलेशिया के सरकारों के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए बैठक में एशियाई गेंडो की तीन प्रजातियों की जनसंख्या में वृद्धि के उद्देश्य से उक्त पांच देशों ने एसियाई गेंडो पर नई दिल्ली घोषणा पत्र दो हजार उन्नीस पर हस्ताक्षर किए गेंडो की उक्त तीन प्रजातियों में भारतीय उप महाद्वीपों में पाए जाने वाले ग्रेटर एक सिंग वाले गैंडे जवा प्रजाति के गैंडे और सुमात्रा प्रजाति के गैंडे शामिल हैं 58 है सर डॉन ब्रेडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है बताइए सर डॉन ब्रेड बैन के बाद टेस्ट प्रारूप में टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है इसका सही जवाब हो जाएगा बताइए तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ यानी डी ऑप्शन अगस्त 2019 में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए अपनी कुल 119 पारियों में 25 टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया यह सर डॉन ब्रेडमैन के बाद दूसरे सबसे तेज 25 टेस्ट शतक बनाने वाले रिकॉर्ड धारी हैं ब्रेडमैन ने 70 वर्ष पहले म, अट, मतलब कि महज कह सकते हैं कि 68 पारियों में इन्होंने 25 शतक पूरे करने का कीर्तिमान रचा था 59 जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था तो दो हजार उन्नीस में अंतरिक्षयान चंद्रयान टू को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी मार्क थर्ड एमोवन रॉकेट के द्वारा भारत के चंद्रयान टू मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ यह जीएसएलवी मार्क थर्ड रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान यानी फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट थी इस मिशन के माध्यम से भारत चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया थे मे के बाद थे मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी कंजरवेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम सात इनमें से कौन शामिल नहीं था थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम सात में कौन शामिल नहीं था इसका सही जवाब क्या होगा बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा मार्क हार्पर डी ऑप्शन जून 2019 में थेरेसा में के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में बच्चे जो सात प्रत्याशी थे पहला जो नाम है बोरिस जॉनसन दूसरा है जेरेमी हंट माइकल गो राब, साजिद रावेद मैथ्यू हैनकॉक और रोरी स्टूअर्ट याद रखिएगा देखिए अगर बात करें तो एंड्री लिडसम आठवें मार्कर हार्पर नौवें नौवे और एस्थर मैकवे दसवें स्थान पर थे अतः मार्कर हार अंतिम सात में शामिल नहीं थे इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अच्छा अगले प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन ने सांसदों के पहले मतदान में सबसे अधिक यानी 114 वोट हासिल किए थे वर्तमान में बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं इसके बाद 61 है दो हजार उन्नीस में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक जो है कहां पर हुई थी दो हजार में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई थी तो याद रखिएगा वेनेजुएला में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जुलाई 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक दो कराकस वेनेजुएला में संपन्न हुई 25 से 26 अक्टूबर 2019 हजार उन्नीस के मत गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुखों और शासनाध्यक्षों की अठारहवीं बैठक बाकू अजरबैजान में संपन्न हुई दो हजार बीस में गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन के नेतृत्व में हुआ और इस इस इसका बैठक का जो, इस बैठक का का जो जो थीम था था वो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड नाइनटीन सिक्सटी टू एस सैद अकबरुद्दीन ने जो सैद अकबरुद्दीन थे इन्होंने पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि प्रतिनिधि मतलब की सॉरी सर अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थाई प्रतिनिधि कौन था तो सर अकबरुद्दीन से पहले की बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थाई प्रतिनिधि जो थे नाम क्या था आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक कुमार मुखर्जी यानी सी ऑप्शन <एफषण> सैद अकबरुद्दीन के पहले जो थे मतलब अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी जो प्रतिनिधि थे नाम था अशोक कुमार मुखर्जी जनवरी 2016 में भारत के वरिष्ठ राजनयिक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि का पदभार ग्रहण किया उन्होंने अशोक मुखर्जी का जो स्थान लिया अशोक कुमार मुखर्जी का इन्होंने स्थान लिया और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति हैं। सिक्सटी थ्री है डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने दो के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम पचास मिलियन डॉलर के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने दो हजार उन्नीस के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभाव पूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम पचास मिलियन डॉलर के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया इसका सही जवाब है तुलसी गबाड़ यानी डी ऑप्शन तुलसी गबाड़ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जुलाई 2019 में अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी तुलसी गबाड़ ने गूगल पर 50 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया तुलसी ने गूगल पर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी में बाधा डालने और अपने चुनाव अभियान के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया गवाड़ की चुनाव अभियान समिति के अनुसार सत्ताइस और अट्ठाइस जून दो के मध्य हुई पहली प्राइमरी बहस के बाद तकनीकी दिग्गज तकनीकी दिग्गज ने उनके अभियान से जुड़े विज्ञापन का अकाउंट छह घंटे के लिए बंद कर दिया था 64 है एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है तो रस्किन बॉन्ड बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है यह अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं इनका जन्म 19 मई उन्नीस को हिमाचल प्रदेश के कसौली यानी सोलन में हुआ था 65 है खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसके बाद 66 नंबर है 2020 तो में ग्रीस ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे 2020 तो में ग्रीस ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोक्यो में सी ऑप्शन तो देखिए ये है का है आप जो है, आ, अगर एग्जाम दे रहे तो दो हजार तेईस वाला जो अपडेट है उसको देख लीजिएगा या दो हजार बाईस का अपडेट भी आप देख लीजिएगा और साथ साथ दो हजार इक्कीस का भी दो हजार बीस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर जो है याद रखिएगा बत्तीसवें ओलंपिक के या ओलंपियाड के खेल या एक बहु खेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान में होना है याद रखिएगा इसके बाद अगर बात करें तो देखिए लेकिन कोविड 19 के होना था कब होना तो था 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान में होने के लिए प्रस्तावित था लेकिन कोविड नाइनटीन के कारण यह तेईस जुलाई आठ तेईस जुलाई से आठ अगस्त के बीच जो है दो हजार इक्कीस में संपन्न के लिए जो है डेट बढ़ा दिया गया तो कोविड नाइन्टीन के कारण इसको दो हजार इक्कीस के लिए डेट बढ़ा दिया गया कब तो तेईस जुलाई तेईस जुलाई से आठ अगस्त के बीच और भारत ने इसमें सात पदक जीते सोलह ओलंपिक खेल रियो डी जेनरियो ब्राजील में हुआ दो हजार चौबीस ओलंपिक खेल कब होगा तो पेरिस फ्रांस में और जो है अट्ठाइस ओलंपिक खेल कहां पर होगा तो लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया यूएसए में याद रखिएगा तो पहले से ही चार चार साल पे निर्धारित है तो ध्यान में रखना है सिक्सटी सेवन है जश्न मनाया यूनेस्को ने दो हजार उन्नीस के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया तो याद रखिएगा एक सौ पचास साल बी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को ने सिक्सटी uh, में प्रकाशित आवर्ष सारणी के 150 वर्ष पूर्ण होने पर दो को रासायनिक तत्वों की आवर्ष सारणी के रूप में मनाने का निर्णय लिया जिस आवर्ष सारणी को हम आज जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री uh, इवानोविच मैंडलिव के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था इसके बाद प्रश्न संख्या 68 हाल ही में भारत के संसद ने तीन तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया जिसने तीन तलाक को असंवैधानिक बना दिया था तलाक अविदत को असंवैधानिक बना दिया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दो देश के सबसे जटिल सामाजिक मुद्दों में से एक तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त सत्रह को अपना निर्णय सुनाया था पांच में से तीन न्यायाधीशों में न्यायाधीश कुरियन न्यायाधीश नरिमन और न्यायाधीश यू ललित ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था तीनों ने न्यायाधीश नजीर और तत्कालिक सीजेआई खेहर की राय का विरोध किया था तीनों अगर बात करें तीनों न्यायाधीशों ने कहा कि तीन तलाक संविधान के अनुच्छेद चौदह का उल्लंघन करता है इसके अनुसार संविधान का अनुच्छेद चौदह समानता का अधिकार देता है तो ये जो है समानता के अधिकार के तहत ये जो है अवैध है तीन तलाक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दो कहां पर आयोजित होने वाला है तो ये ऑलरेडी आयोजित हो चुका है यह प्रश्न कब पूछा गया था यह प्रश्न पूछा गया था अगर बात करें तो ब्रिक्स जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दो है ये आपका जो प्रश्न पूछा गया था याद रखिएगा ये 2018 में पूछा गया था तो आप जो है 2022 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है कहां पर आयोजित हुआ है इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसके बारे में आपको अपडेट रहना है तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए ब्रिक्स देखिए जो ब्रिक्स है ये विश्व की पांच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था अर्थ अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त संक्षिप्त शॉर्ट शब्द है शॉर्ट नेम है यह ग्यारहवा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दो हजार उन्नीस आयोजित हुआ था वो ब्राजील में हुआ था बारहवा दो हजार बीस में रूस में होगा तेरहवां दो इक्कीस भारत में होगा और जो आ, आ, मतलब कि ब्रिक्स है सम्मेलन ये दो हजार बाईस में चीन में होगा तो याद रखिएगा दो हजार बाईस चीन में सत्तर नंबर है मुकुंद मुकुंद पद नाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने मुकुंद पद नाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने तो सुरेश न, सुरेश नामवत सुरेश नामवत सी ऑप्शन एक मार्च 2019 को वरिष्ठ पत्रकार सुरेश नामवत ने समाचार पत्र द हिंदू के संपादक का पदभार ग्रहण कर लिया इसे पूर्व सुरेश राष्ट्रीय संपादक थे सेवेंटी वन है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई दो में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागु चौहान के पद की शपथ दिलाई पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई दो में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागु चौहान को पद पद की जो है शपथ दिलाई तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवेंटी वन का करेक्ट ऑप्शन है बताइए सेवेंटी वन का सही जवाब हो जाएगा मानवीय कौन मानवीय एपी शाही यानी बी ऑप्शन देखिए अगर बात करें तो 19 सॉरी 29 जुलाई 2019 को बिहार के नव नियुक्त राज्यपाल फागु चौहान को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एपी शाही इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं कौन है संजय करोल सेवेंटी टू है अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश के दिवसीय यात्रा पर गई थी के प्रथम सप्ताह में भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान के त्रिदिवसीय यात्रा पे ये गई थी तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसके बाद 73 है अक्टूबर 2018 में Uh, किस देश की संसद ने आंग सांसुकी से मानद नागरिकता वापस ले ली बताइए अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की सांसद ने आंग सांसुकी से मानव नागरिकता जो है वापस ले ली तो इसका सही जवाब है कनाडा कनाडा ने डी ऑप्शन 2018 अठारह में कनाडा के संसद ने आंग सांसुकी से मानद नागरिकता वापस ले ली इसके पीछे का कारण म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रही सैन्य हिंसा पर उनकी निष्क्रियता है है निम्न में से कौन नाग्टा में सम्मिलित नहीं है नाग्टा में जो सम्मिलित नहीं है वह आपका ग्रेट ब्रिटेन यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन नाग्टा में शामिल नहीं है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उत्तर अमेरिका में जो है या उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय जो है व्यापार गुट है ठीक है और इसके सृजन के लिए कनाडा मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य समझौता है जो 1 जनवरी उन्नीस से प्रभावी हुआ 75 है सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर याद मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हताक्षर किया मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हताक्षर किया तो इसका सही जवाब है फ्रांस डी ऑप्शन सितंबर दो में भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी मोबिलाई सी पर एक कार्यान्वयन समझौते पर हताक्षर किए गए मोबिलाइज योर सिटी फ्रांस और जर्मनी के सरकारों के द्वारा समर्थित एक अंतरराष्ट्रीय पहल का अंग है दिसंबर 2015 में कॉप 21 बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था एम वाई सी का लक्ष्य तीन शहरों जैसे नागपुर कोची और अहमदाबाद अहमदाबाद में शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों में सहायता करना है इसके बाद प्रश्न संख्या सेवेंटी सिक्स अगस्त दो हजार अठारह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस देश में पाड़नी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया दो हजार अठारह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस देश में पाड़नी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया तो मॉरिशस में सी ऑप्शन 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉरिशस में पाणिनी भाषा का पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया याद रखिएगा कि इस प्रयोगशाला का उद्घाटन मॉरिशस के पोर्ट लुइस में चल रहे ग्यारहवें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान किया गया यह सम्मेलन अठारह से बीस अगस्त दो के बीच आयोजित किया गया सतहत्तर है अगस्त दो में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया है अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय की सरकार ने देश में भारतीय मूल के व्यक्तियों की अंगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग एवं उत्तक दान के वर्तमान कानून को बदलने की अपनी योजना की घोषणा की थी सेवेंटी एट नवंबर नवम्बर दो में संपन्न राष्ट्रीय चुनाव में एमरसन माना गांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए गएसन माना गांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए इसका सही जवाब क्या होगा बताइए इस इसका सही जवाब हो बताइएगा जिम्बाबे ऑप्शन प्रश्न में उल्लेखित है कि जिम्बाबे में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर दो में संपन्न हुआ जो कि असत्य है वास्तव में जिम्बाबे में राष्ट्रपति चुनाव 30 जुलाई 2018 को संपन्न हुए थे जिसमें एमोरसन माना गांगवा विजयी घोषित हुए थे मरसन माना गांगुआ नवंबर दो से ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे याद रखिएगा 79 है किस देश में विगत वर्षों से लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया किस देश में विगत दो वर्षों से लागू आपातकाल को जो है बीस जुलाई 2018 को समाप्त किया गया इसका सही जवाब क्या होगा बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए जुलाई 2018 में तुर्की की सरकार ने पिछले दो वर्षों से देश में लागू आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की थी उल्लेखनीय है कि 2016 में एफ ने तुर्की में कई हमले किए थे जिसके बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी प्रश्न संख्या सी जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया तो पापुआ गिनी में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है देश में पोलियो वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पापुआ गिनी की सरकार ने जून 2018 में देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी 81 है 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता तो याद रखिएगा सातवीं बार 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार तो सातवीं बार क्रिकेट का एशिया कप जीता यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 सितंबर 2018 को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था प्रश्न में यह थी उनतीस सितम्बर दो के रूप में उल्लेखित है जो कि गलत है फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को तीन विकेट से पराजित करके सातवीं बार यह खिताब जीता था अगला एशिया कप दो श्रीलंका में होगा कहां पर होगा श्रीलंका में इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं नेक्स्ट सेशन में 82 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में